मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर वक्त से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ही फरमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखने नसीब फरमाए, और आने वाली हर अचानक मुसीबत बीमारी तकलीफ़ से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं काले चने और आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ें जो है रेडी करके रख ली है, साथ साथ हम आपको इंग्रेडिएंट और स्पाइसेस बताते रहेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने चूल्हे पे पतीली चढ़ा दी है, उसमें हमने ऑयल जो है वो डाल दिया है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसमें सबसे पहले 2 से 3 अदर कड़ी पत्ता डालेंगे, और साथ हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक सिर्फ भूनेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर माशाल्लाह से निकल आया है। साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून, ये आप देख रहे हैं। और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक मसाले में भूनेंगे कि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, 2 से 4 मिनट हमने लहसुन और अदरक को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें 1 अदद दरमियानी साइज़ का प्याज जो है वो हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो जी, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से इसमें गोल्डन ब्राउन जो है हो चुका है, और हमने पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और भून लिया है। अब हम स्टेज पर आके डाल देंगे 1 अदद दरमियानी साइज़ का टमाटर, और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि हमारे टमाटर के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट टमाटर को भूनने के बाद अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे जो पाउडर वाले हैं। तो हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, इसमें हम 1 टीस्पून जीरे का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम लाल कुटी मिर्च, 2 से 3 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, और थोड़ी सी हल्दी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप जो है चनों का जो है कि रात को भिगो के रखा था, और हमने उसको बॉईल कर लिया, सुबह उनको गला लिया है, और 1 अदद हमारे पास आलू है, और 1 कप चावल का हम बनाएंगे। और यहाँ पे हम गरम मसाले भी डाल देते हैं, 2 से 3 पीस सिनेमन के, 2 मोटी इलायची, 2 से 3 पीस लौंग, और 4 से 5 पीस काली मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छा जी, मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से भुने जा रहा है, और अब स्टेज पे आके हम इसमें करेंगे थोड़े से आलू ऐड। तो आलू थोड़े से गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसे सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, आलू को अच्छी तरीके से भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें शान का यखनी पुलाव मसाला जो होता है उसका 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हम आलू को अच्छी तरह से पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं, और जो थोड़े से रह गए हैं वो इंशाल्लाह चावल में जब हम पानी डालेंगे चावल गलने से पहले उसमें गल जाएंगे। यहाँ पर हम काले चने जो है वो ऐड कर देते हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, और इनको भी हम 5 से 6 मिनट तक भून लेते हैं। अच्छा, से आलू और चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1.5 कप जो है पानी का ऐड करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि इसके अच्छे तरीके से उबाला आ जाए, और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रखे थे 1 कप, तो वो इंशाल्लाह अब हम इसके
अंडे डाल दो। जी यहाँ पे पानी में अच्छे तरीके से जो है उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावल को अगर आप घंटा डेढ़ घंटा पहले भिगो दें तो आपको पानी का जो है कि मेजरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पानी के थोड़े से खुश्क होने का वेट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर हम इसको दम लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम ढकना उठा के देखते हैं। माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छे तरीके से जो है कि पानी इन्होंने पी लिया है चावलों ने, और ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। स्टेज पे आके आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक लगे कि कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम 2 से 3-4 अदर लेमन डाल लेंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, और हम फ्लेम को हमने लो कर दिया है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी दम लगा सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे तवा रख के पतीली के ऊपर रख के तब भी आप इसको दम लगा सकते हैं। तो हम इसके नीचे तवा रखेंगे और इसको हम इस तरह से दम लगाएंगे। अब हम मिलते हैं दम के बाद जब चावल हमारे रेडी हो जाते हैं। अगर हम अपने चावलों का दम देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से यार देखिए, ज़बरदस्त किस्म का दम जो है, ये देखिए माशाल्लाह चावलों को लग चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। चावल निकले के लिए हैं तो इसको हम, ये तकरीबन रेडी है, तो 3 से 4 मिनट हम इसको और रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पे हम अपने रायता और सलाद बना लेंगे और उसके बाद हम अपने चावल को डिश आउट करते हैं। जी माशाल्लाह से काले चने और आलू का पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, बल्कि रेडी टू ईट है, और हमने इसको डिश आउट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल रेसिपी और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बना है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। काइंडली जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैमिली और फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करें, और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।